आपकी काफी वीडियोज हमारी आईयों सही आपके पास आ, आए ठीक है आप पॉलिटिशियंस के साथ भी उठते बैठते हैं कभी बेगम की तरफ से नहीं कोई डिमांड आती कि अब तुम इतने लोगों के साथ मिल लेते हो तो चलो मुझे ये पसंद है मुझे इससे मिलवाओ

आज आप यूट्यूब खोले गूगल खोले ट्विटर खोले उसकी खुद एक सिंगल वर्ड भी नहीं है कि काशि ने मेरे कुछ बुरा किया तो सियासत में मैं कहता हूँ कि अगर आपने अपने लोगों के लिए कुछ करना है तो जरूरी नहीं कि आप कोई पॉलिटिशियन ही हूँ आप कोई एम एल या कोई को मिनिस्टर ही हो अगर आपने अपने लोगों के लिए काम करना तो आप वैसे भी कर सकते हैं आपको तो किस बात के किसी भी बात सुनते ही नहीं है वो किसी चीज से नहीं नहीं उसको तप जाता है इसलिए वो कुछ कहती है थोड़ा वो तो, कोशिश की यही होती है वो तरीके से कुछ डायरेक्टली नहीं तनजिया नहीं, नहीं, नहीं। के के, ये काम करने से ऐसे ऐसे भी दुनिया में हो जाता है तो काशिफ आप जरा देख सोच के समझ के वैसे तो आप खुद समझदार की मुझे बुरा भी ना लगे और मुझे वो बात समझ आ जाए ये भी अच्छा तरीका अब आप सेलिब्रिटीज के साथ मिलते जुलते रहते हैं हमने अक्सर आपकी काफी

तो उन्होंने बाद इसका अर्तुल का कहा था अच्छा 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 और उनकी ख्वाहिश भी फिर वो, वो पूरी होगी इवन कि मैं उधर से हुआ या था अर्तुल से मैं जब टर्की गया था मैं मिल आया था फिर जब वापस आया हूं तो इसने चार दिन नाराज रही है कि मैंने भी मिलना था आप अकेले आपने मोहब्बत कीजिए यहाँ पे काम की है इतने सारे सेलिब्रिटीज से आपकी मुलाकात होती है तो आपने कभी खुद नहीं सोचा है की आपको शो बज इंडस्ट्री में कदम बढ़ाने चाहिए एज अ स्टार बन के मतलब कोई किसी फिल्म में आना आना चाहिए चाहिए किसी ड्रामे में आना चाहिए। नहीं एक्चुअली मेरा ना ये प्लान तो है लेकिन मुझे लगता है, कि न, मैं ये एक्टर, क्योंकि आपको पता है उनको एक्टिंग ये होनी चाहिए, मेरे, <laughs> मेरे काफी अच्छे राइटर्स है जैसे खलील कमर साहब है और काफी राइटर्स मेरे अच्छे दोस्त है तो मेरा ये प्लान बन रहा है उन्होंने भी मुझे ये बात कही कि आप अपना ये जो आपका इंसिडेंट हुआ था आप जो असल मामला हुआ था वो लोगों को मूवी के जरिए दिखाएं तो आप इसके ऊपर अपनी मूवी और ये बहुत अच्छी चलेगी तो हाँ सा करके काम किया जा सकता कि है आपस में ये थोड़ा क्लैश हुआ ये किसकी वजह से हुआ बेसिकली क्लैश आप देखें आज आप यूट्यूब खोले गूगल खोले ट्विटर खोले एंगी नल्तान जो है अर्तुल गाजी उसकी खुद एक सिंगल वर्ड भी नहीं है कि काशिफ ने मेरे कुछ बुरा किया

अगर आपने अपने लोगों के लिए कुछ करना है तो ज़रूरी नहीं कि आप कोई पॉलिटिशियन ही हूँ आप कोई एम या कोई मिनिस्टर ही हों अगर आपने अपने लोगों के लिए काम करना तो आप वैसे भी कर सकते हैं अलहदुल्ला आज भी बहुत सी दुनिया में लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको पता कि यार काशिफ जमीन ने हमारे लिए बेलॉफ़ काम किए हुए हैं ठीक है ये नहीं है कि मैं मैं कोई पावर अलहमदुल्ल का शुक्र है एम भी हम बनाते हैं एम भी हम खुद बनाते हैं मिनिस्टर्स भी हम खुद बनाते हैं ठीक है लेकिन हमें ये कभी नहीं हुआ कि हम खुद ये बन जाएँ ये भी एक अच्छी चीज़ है वैसे पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो वैसे दिलचस्पी रखते हैं में क्या हो रहा है क्या चल रहा है हाँ कभी कभार टाइम मिल जाए तो न्यूज सुन पर मुझे पता है कि न्यूज जब लगानी है तो उधर सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक है नहीं टेंशन <laughs> के अलावा एक टॉपिक है वो टॉपिक है अपोजिशन क्या कर रही है गवर्नमेंट क्या कर रही है वो उनको क्रिटिसाइज कर रहे लो अपनी जी हम क्या करें आप कोई दुनिया का मुल्क उठा लें जितनी सियासत की वजह से लड़ाईया हमारे मुल्क या किसी मुल्क में भी लड़ाई काशिफ आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा बहुत सारी ऐसी चीजें थी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि न्यूज पे भी अगर आपको कहीं सर्च करें जाके गूगल पे सर्च करें तो सबसे पहले खबरें आती हैं जी अर्तुकुल गाजी <laughs> साथ जी फ्रॉड हो गया काशि hmm. जमीर फ्रॉड है hmm. सलमान खान आ रहे हैं तो मैं भी वैसे उम्मीद कर रही हूँ कि जिस तरह आपने हमें बताया है कि सलमान खान अन पाकिस्तान आ रहे हैं तो आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट देखते हैं वो पाकिस्तान कब आते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है किस क्या वो पाकिस्तान के हवाले से राय रखते हैं और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह अरतगुल गाजी के लीड एक्टर के साथ जो सारी सिचुएशन बनी वो सलमान खान के साथ ना बने क्योंकि सलमान हाँ। खान इंडियन और हम पाकिस्तानी तो दो ही मुल्क ही आपस में दुश्मन कहलाते हैं तो इनके जितने अच्छे तालुकात रहे उतना ही बेहतर है ही तो हम उम्मीद करते हैं कि सलमान खान हमें जल्दी पाकिस्तान में आपके साथ नजर आएंगे और आप हमें बुलाना नहीं भूलेंगे <laughs> हमें इंशाला, मौका इंशाला। देंगे हम उसको आके कवर मीडिया तो सबसे पहले होगा जी होप फॉर देंट गुड लक टू यू अब हम इंतजार रहेगा कि सलमान खान पाकिस्तान का इन्षाला, इन्षाला, तो मेरे मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इस बात का इंतजार रहेगा कि सलमान खान को पाकिस्तान में काशिफ जमीर के साथ कब देखेंगे आप भी तब तक, तक, तक इंतजार करें और सलमान खान के आने के बाद हम इनको दोबारा से इन्वाइट करेंगे इनकी इन्विटेशन इनका जो एक्सपीरियंस उनके साथ रहा वो कैसा था आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त अल्लाह